अलैकुम, कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। जायके का तड़का पंजाबी किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त, बहुत ही यूनिक, बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। जब भी कुछ डिफरेंट खाने का मन करे, कुछ अलग सा नाश्ता करने का दिल करे, आप इस रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक प्याली मैदा मैंने लिया है और तकरीबन इसमें हमें 12 अदद अंडे चाहिए, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कलवंजी और साथ में चाहिए मोरजिला चीज। लगभग एक बाउल में मैदा जो है उसको छान लें और उसमें लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ऑयल इसमें डाल देते हैं। अब इसमें कलवंजी, नमक और काली मिर्चें ऐड कर देते हैं और एक बहुत स्मूथ सी, बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेते हैं। जी देखिए, एक स्मूथ सी डो जो हमने तैयार कर ली, अब इसको 10 मिनट का स्टे देते हैं। जब तक हमारी डो को स्टे मिलता है, एक पैन ले लें जिसमें हमने ये रेसिपी रेडी करनी है और उसको घी से ग्रीस कर लें। जी ये देखिए, ये इसके किनारे भी इस तरह से घी से ग्रीस करने हैं, खाली इसकी सतह पे ही नहीं करना, साइडों पे भी। अब इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे जो हमने डो तैयार करके रखी थी और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो जी देखिए जनाब, इसकी रोटी बेल ली है, काफ़ी बड़ी सी हम इसकी रोटी बेलेंगे और अब इसको शिफ्ट करते हैं अपने पैन में। जी जनाब देखिए, अब इसको इस तरह से पैन में रखने के बाद बिल्कुल इसी कंडीशन में, और अब इस अगला स्टेप करते हैं। अब इसमें हम अंडे जो हैं उनको शिफ्ट करते हैं। तो जी देखिए जनाब, अंडा इस तरह से तोड़ने के बाद अब इसमें से हम जर्दी जो है वो उधर शिफ्ट करेंगे। जी इसी तरह से हम सब अंडे तोड़ते हुए उनकी जर्दी जो है वो लग करके, और इस तरह से इधर शिफ्ट करते जाएंगे। पैन में रख चुकी हूँ लो टू मीडियम फ्लेम। लगभग 15 अंडे जो है उनकी जर्दियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। फिर मोरजिला चीज जो है उसको कश कर देते हैं। इसके पेस्ट को दुबाला करने के लिए इस तरह से करते हुए रोटी को जो है हम बंद करेंगे। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक के 5 से 6 मिनट पकने देंगे और फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेते हैं और इस तरह से प्लेट पैन के ऊपर रखेंगे। पलट लेने के बाद इसको इस तरह से फिर से ढक के रख देंगे। लगभग ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यकीन माने, इसको सर्व कीजिए, इसको सर्व कीजिए केचप के साथ, इसको सर्व कीजिए चटनी के साथ। यकीन माने बहुत टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की बनी है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए।
अल्लाह ताला आपके किचन की रौनकें बहाल रखे। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई बहुत ही जबरदस्त बहुत यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपनी मेजबान नौशीन अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।